नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद भूषण वाड़ेकर, भूषण से फ्रॉम अपार एजुकेशन हब एंड आईआईटी सेंटर। दोस्तों, हमने इसके पहले डेरिवेटिव विश्लेषण से कक्षा 12 साइंस एचएससी डेरिवेटिव विश्लेषण से दो टाइप, पैरामेट्रिक टाइप फंक्शन जो इसके पहले, और उसके पहले हमने पढ़ा था इम्प्लिसिट टाइप फंक्शन। इम्प्लिसिट टाइप फंक्शंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस, पैरामेट्रिक टाइप क्वेश्चंस, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बोर्ड क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। कल हमारा पैरामेट्रिक टाइप क्वेश्चन का लास्ट लेक्चर था, इसको हमने खत्म कर दिया। आज हम शुरू करने वाले हैं टाइप या टॉपिक नंबर 6, टाइप नंबर 6, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम द लेसन डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे मैं बोलना चाहूंगा, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस हमारे चैनल पे आते हैं, आप उन वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को है ना कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और ऐसे ही वीडियो अपनी एजुकेशन जर्नी को आगे बढ़ाओ और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाओ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो टाइप नंबर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये डेरिवेटिव का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। बात जहां तक करते हैं इस टाइप की, तो इस टाइप में जैसे नाम लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो यहां डेरिवेटिव्स के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस की इस्तेमाल होता है। साथ में जब वहां जहां बारे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूलेस जो आप कक्षा 10वीं कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हो, 10th क्लास में जो पढ़ चुके हो, उन सभी का भी आपको यहाँ इस्तेमाल होगा। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है और थोड़ा सा लंबा है, बस ट्रिग्नोमेट्री जहां आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। यहाँ वैसे कुछ सब्स्टिट्यूशन का भी इस्तेमाल होता है, बट वो क्वेश्चंस के वक्त की गरज पड़ेगी। कुछ फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हम 11 में पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूं, उस टाइम पे हम लोगों ने फॉर्मूले बहुत सारे लिख के रखे, उन सब की हमें गरज पड़ेगी, सब्स्टिट्यूशन की भी गरज पड़ेगी, बट क्वेश्चंस के वक्त। उसके पहले मैंने हमारे बच्चों को कमिटमेंट किया था कि डेरिवेटिव जिस नाम आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो यहाँ डेरिवेटिव के इनवर्स फॉर्मूले की गरज पड़ेगी। मेरे यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं उन सबको हमने डेरिवेटिव के सही फॉर्मूले का प्रूफ दिया था, एवरी फॉर्मूला डेरिवेटिव फॉर्मूले बने कैसे है तो सब फॉर्मूले के प्रूफ दिए थे आप। सिर्फ हमने वहां पर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रूफ नहीं दिए थे, 6 फॉर्मूले, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, याद है। अब उन फॉर्मूले का प्रूफ हमने आपको बोला था हम इनवर्स टाइप के अंदर देंगे, है ना, तो हम आज आपको उनका प्रूफ भी देने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से और गौर से वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं पहले आपको बता दूं फॉर्मूले जो इनवर्स के फॉर्मूले है वो कौन से यहां लगने वाले हैं, है ना, करेक्ट। इनवर्स फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव, इनवर्स फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव, मैं किन फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, डेरिवेटिव लेसन के इनवर्स वाले फॉर्मूले, है ना, डेरिवेटिव लेसन के इनवर्स वाले फॉर्मूले। अब ये डेरिवेटिव लेसन के इनवर्स वाले फॉर्मूले कौन से होते हैं, तो मैं यहां लिखना चाहूंगा, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो आप पढ़ चुके हो, है ना, इसका आंसर होता है 1/√1 − x2, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स। सेकेंड फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, 1/−1√1 − x2, फॉर्मूला सेम होता है और पढ़ा चुका हूं। फिर माइनस क्यू, जहां जहां बेटा सिंपल तरीका सी का डेरिवेटिव, जहां पहले सी होता है मतलब, है ना, कॉस कोसाइन कॉट, तो याद रखना डेरिवेटिव में जहां पहले बने में सी होता है, दूसरा का तरीका वहां क्या करना, डेरिवेटिव में आंसर क्या लगाना, माइनस, क्या लगाना, माइनस। उसके बाद में थर्ड डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स, है ना, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम, जानते हैं फॉर्मूला इसको, इवन हम लोग यूज भी कर चुके हैं, 1/√1 + x2, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स है उसका ही भाई, उसका ही थोड़ी दाल, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स −1/√1 + x2, फॉर्मूला सेम, किसी के लिए माइनस आता है, एंड डेरिवेटिव ऑफ ऐसे ही हम पढ़ चुके हैं sec इनवर्स एक्स −1/√1 − x2 − 1, एंड फॉर्मूला फॉर द सेम cosec इनवर्स एक्स, फॉर्मूला रिमेंस सेम ओनली फॉर सी माइनस साइन −1/√x√x2 − 1, द फॉर्मूले
इनवर्स फॉर्मेस ऑफ डेरिवेटिव है ना, ये हम लोग जब बेसिक फॉर्मेट लिखे थे हमने डेरिवेटिव तब भी हम लोग देख चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि इन फॉर्मूलेस का प्रॉब्लम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आज हम आपको इनके प्रूफ देने वाले हैं 1/1। ये प्रूफ भी पेपर में पूछे जाते हैं, कभी क्वेश्चन फॉर्म में कभी शो डाट फॉर्म में ये पेपर में आते रहते हैं। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से आया, क्वेश्चन फॉर्म, अगर क्वेश्चन फॉर्म में आया तो आएगा फाइन dvx ऑफ है ना, बट यूजुअली शो दैट फॉर्म में आया है तो मैं शो दैट फॉर्म में लिखूंगा, शो दैट लिख के आता है बेटा, आपको शो करके दिखाना होगा, शो दैट dvx ऑफ dvx डेरिवेटिव ऑफ sin inverse x 1/√1 − x2 ऐसा शो करने को आता है ना, इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा पेपर में करेक्ट। कभी कभी एक बार फाइंड करके आया है dvx, एक ही बार आया है बट शो दैट मोस्टली आया है, तो शो दैट फॉर्म में हमने क्वेश्चन लिखा। अब सर तो यहाँ पर शो दैट मतलब ही आपको इसका काम मिलेगा बेटा, प्रूफ मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ, बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। अब बड़े सिंपल लेवल पे आपको बता दें, ग्राफिकल मेथड में इसका होता है ना, इनवर्स ग्राफ बना के बिना ग्राफ के एक सिंपल पैटर्न में, जो बहुत सारे कम लोगों को पता है ना, बहुत कम लोगों को पता है, तो वैसा मेथड मैं आपको आज बता रहा हूँ। हमने क्या करना, लेट किसका डेरिवेटिव करना है, साइन इनवर्स का, उसे नोटेशन देने का, लेट y = sin इनवर्स x इसके अंदर हो। सो देयरफॉर जब मैं इसको इनवर्स को इधर शिफ्ट करूं तो sin y = क्या बनेगा, x। सुधार का तरीका सिंपल, हर फॉर्मूले की जगह टेकने वाले हम लोग, पहला फॉर्मूला हमने आज शुरू कर दिया है ना, अब इसको हम करेंगे बेटा डिफरेंशिएट, क्या करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, as we going to differentiate with respect to x, तो आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ sin y cos y, बट क्योंकि y का डेरिवेटिव हो रहा है x के साथ इसलिए यहां आएगा dy / dx, और राइट साइड में x का x के साथ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x आंसर आया होगा है ना। अब मुझे क्या निकालना है, dy / dx, सो dy / dx की वैल्यू बेटा मेरी बनेगी 1 − 1/cos, ये इनटू वाला अपॉन चला जाएगा सर, ये cos, तो as you know आइडेंटिटी यहां आपको आइडिया याद कीजिए, आप sin square y plus cos square y is equal to 1, तो आप खुद सोचिए बेटा cos square y की वैल्यू 1 − sin square y हो जाती है, और मुझे सिर्फ cos y चाहिए तो cos y की वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट √1 − sin square y, सबसे सिंपल तरीका जो मैं आपको बता रहा है ना, सबसे सिंपल, बहुत कम लोगों के तरीका बता है। सो dy / dx इज इक्वल टू 1/cos y, सो cos y की जगह आप क्या डाल सकते हैं, जिसे हमने आपको करके दिखाया आइडेंटिटी पैटर्न में, तो 1 - हम डाल सकते हैं sin square y, cos y की वैल्यू घटक की हमने बराबर है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो dy / dx है ना इज इक्वल टू 1 - sin square y, व्हाट इज sin का मतलब x, हम रिप्लेस कर सकते हैं है ना, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 रिप्लेस कर देते हैं बेटा वैल्यू, dy / dx इज इक्वल टू 1/√1 एंड sin y, देखो sin y इज इक्वल टू x, तो x2, इस तरीके से इसका शो करना हो गया था 1/√1 − x2, तो आप बोलोगे तो dy / dx आया, तो याद करना बेटा व्हाट इज y, आपने नोटेशन लिया था sin इनवर्स, तो उसको और एक बार लिखिए, दैट इज देयरफॉर dx ऑफ व्हाट इज y, sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 − x2, इस तरीके से आपने ये पहला प्रूफ ला दिया। थैंक्स टू, तो ऐसे ही तरीके से हम और भी प्रूफ निकालेंगे। तो मैंने आपको इसके पहला प्रूफ दे दिया y derivative of sin inverse x 1/√1 − x2 निकाल के हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब बढ़ते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे शो दैट की तरफ, दूसरी थ्योरम की तरफ, उसका ही जोड़ीदार शो दैट करना है आपको dx of cos inverse x − 1/√1 − x2, ये हमारा सेकंड है ना, as one जिसे बॉल में लिखी उसी पैटर्न पे, पहला खत्म दूसरा उठा रहा है,
चलिए बढ़ते हैं इनको भी सॉल्व करने की तरफ। सिमिलर पैटर्न लेड जिसका डेरिवेटिव कर निकालना है, इसके रेशियो रख करना है, तो इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे वाई, कैनोडियन ले लेंगे वाई, फिर इसको ये नंबर देना हुआ, इसको इधर शिफ्ट करेंगे इधर आ जाएगा, तो कॉस वाई इज इक्वल टू एफ नंबर टू है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एज वी गोइंग टू डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ कॉस, जहां जहां सी का कॉस का डेरिवेटिव साइन और सी का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस, तो माइनस साइन वाई इन टू डी वाई बाई डी एक्स and derivative of x with respect to x, so answer comes to be 1। अब हम लोग क्या करेंगे, dy by dx से पहले किया था हमने, so dy by dx के minus sin y upon जाएगा 1 upon minus sin y, तो आपको पता है कि minus यहाँ क्या है, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, that means dy by dx का आंसर बनेगा minus 1 upon sin y, as usual again वही जो प्रॉपर्टी हमने denominator के ऊपर लगाई है ना, है ना, आइडेंटिटी हमने ऊपर लगाई, विच इज आइडेंटिटी साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू वन, तो यहां से अगर मैं अभी यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू बनाऊ तो साइन स्क्वायर की वैल्यू बनेगी वन माइनस कॉस स्क्वायर, और वहीं से अगर मैं सिर्फ साइन वाई बोलू तो ये अंडर रूट में चला जाएगा और वन माइनस बनेगा कॉस स्क्वायर वाई इस तरीके से। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो आगे जाते हैं हम लोग, अब यहां पर ये वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देंगे, देयरफॉर आइडेंटिटी से निकाली जो हमने वैल्यू है डीवाई बाई डी एक्स ऊपर है माइनस वन एंड व्हाट इज साइन वाई, तो अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो आपने यहां वैल्यू बनानी है अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई। अब इसके बाद dy by dx is equal to remember this cos y, मतलब क्या होता है x, वापस वही का पार्ट सेम इसी तरीके से एग्जैक्ट वही from equation 2 we are going to replace the value dy by dx is equal to minus 1 upon under root 1 minus instead of cos y के नाम पर पहले के x चलिए मैं और एक करता हूँ थर्ड फोर्थ आपके लिए होमवर्क रहेगी, सो दैट में पहले के दो पल हम लोग देखेंगे, आज तीसरा और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री या सो दैट नंबर थ्री। आपको क्वेश्चन आया मान लो सो दैट डी डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स वन इज इक्वल टू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये सो दैट करना है, क्लियर। तो बढ़ते हैं इसके तरफ क्वेश्चन नंबर हमारे थ्री की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर थ्री को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर थ्री वापस उसी की तरह जिसका शो दैट करना है लेट उसे हमें क्या ले लेंगे वाई, डेरिवेटिव इसका सब शो करना है, इसका डेरिवेटिव को नेट टाइम इनवर्स इसको इक्वल नंबर देने का वन, नेक्स्ट स्टेप में इसको इनवर्स वाले पार्ट को जब टैन इनवर्स का इधर आएगा तो ये टैन बनेगा वाई इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन नंबर टू, देन हम करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टैन वाई, डेरिवेटिव का पता है आपको वाला है टैन का डेरिवेटिव सिक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स सिक्स स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टैन वाई सिक्स स्क्वायर वाई है ना, डेरिवेटिव ऑफ टैन वाई सिक्स स्क्वायर वाई, और वाई का हो रहा है एक्स के साथ इसलिए डीवाई बाय डी एक्स और एक्स का एक्स के साथ वन, इसका सो दैट शुरू हुआ है ना, डेरिवेटिव ऑफ टैन वाई सिक्स स्क्वायर वाई इनटू डीवाई बाय डी एक्स इक्वल टू वन। आगे बढ़ाते हैं, अब यहां हम लोग डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू हमें इसको अपॉन डालना होगा सिक्स स्क्वायर वाई, करेक्ट। अब अगर आप याद आ तो
यहां पर भी एक आइडेंटिटी होती है tan और sec की, sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, तो यहां तो आएगा ही इजी मिल गया, डायरेक्ट मिल गया tan sec स्क्वायर y की वैल्यू, ये शिफ्ट हो जाएगा तो 1 प्लस बनेगी बेटा tan स्क्वायर y, 1 प्लस tan स्क्वायर y सबसे सिंपल होती है, इसलिए आपको फोर्थ वाला होमवर्क है छोड़ा है। तो इसके बाद बढ़ते हैं dy by dx is equal to 1 upon what is the sec square 1, तो 1 plus tan square 1 जो हमने आइडेंटिटी से निकाला है ना, 1 plus tan square 1, और what is the tan y, tan y का मतलब क्या होता है x, तो इसकी वैल्यू उधर कर देंगे from equation 2, from equation 2 से वैल्यू डाल देते हैं dy by dx is equal to 1 upon 1 plus tan y, tan मतलब x, तो x square हो गया तो आपका 1 by 1 by x square, that is the एक बात देख देते हैं d dx y, d dx of किसका y, y मतलब कौन है, आपने इन्होंने ही दिया था tan inverse x, तो derivative of tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square and root, तो ये भी हमने proof कर दिया। इस तरीके से ये आइडेंटिटीज के या इस तरह से इन फॉर्मूलेस के शोधार्थ निकाले जाते हैं, तीन शोधार्थ हमने आपको बना लिए, चौथा शोधार्थ tan का जो रिजल्ट व्हाट इनवर्स x आपको करना है सेम इसी पैटर्न में, बड़ा सिंपल है tan m का, कल हम लोग और दो बचे हुए देखेंगे है ना। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहे, वीडियो को लाइक करे, वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट करे है ना, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इंजीनियरिंग जर्नी को आगे बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।